आप अगर आगे नहीं आओगे तो फिर आगे कौन आएगा, है पीछे पीछे होते चले जाओगे। कई बार क्या है, कुछ मौके मिलते हैं उनको बुलाना चाहिए। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा। क्या क्या देखा आपको? उससे क्या सीखने को मिला था सर? देश के विकास में आप लोगों का ही योगदान जी सर, भविष्य तो आप ही लोग हैं जी सर। तो अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर्टिकुलर से क्या सीखा सर? क्यों बनी है ये स्टैचू, बनी क्यों है सर? एकता को दर्शाने के लिए। एकता किस प्रकार से? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है मूर्ति सर, उन्होंने एकता की रेवोल्यूशन क्या किया था, देश को जोड़ा। कई राज्य थे जो देश के साथ नहीं जुड़े हुए थे, उनको एक साथ उनका अथक प्रयास था, और उसी को आगे आप लोगों को नई जो जनरेशन है उनको बताने के लिए ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। घुमाने के लिए एक हफ्ते का टूर था सर, ये 20 तारीख से लेकर 24 तक, हम लोग 24 को वहाँ चले सर, 25 को हम लोग फाइनली आते ये आ गए सर। उसमें हमारा सर जो वहाँ जाने का था सर स्टैचू ऑफ लिबर्टी मोटेरा स्टेडियम, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था इट वॉज गुड, हमें बहुत मज़ा आया। लाइक जैसा एक्सपेक्टेड था उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। हम सब लाइक डिफरेंट डिफरेंट जगह से आए हुए हैं और सब एक साथ रहे। लाइक स्टैचू ऑफ यूनिटी हमें यही बताता है कि हमें एक साथ मिलके काम करना है, तो हम सब ने एक साथ एडजस्टमेंट की वहाँ पे, बहुत मज़ा किया। हमारे से जो टीचर्स गए थे लीडर्स एज ए लीडर्स, वो भी हमारा मतलब बहुत प्रॉपर ध्यान रख रहे थे। फूड वगैरह सब कुछ अच्छा था, बहुत मज़ा आया हमें। तो जो अकोमोडेशन थी वो हमें BSF की तरफ से ही प्रोवाइड की गई थी, वो बहुत अच्छी अकोमोडेशन उन्होंने प्रोवाइड की थी। फूड वगैरह भी बहुत अच्छा था, लाइक इन्होंने रेस्टोरेंट्स में भी हमें प्रोवाइड किया जो कि बहुत अच्छा था। सब कुछ अच्छा ही था, ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज टोटली गुड। जो बच्चे नहीं, मैं तो सबको यही बोलना चाहूँगी लाइक जब भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है तो हमें उसे ग्रैब करना चाहिए, सबको यहाँ आना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं जा सकते। तो BSF की तरफ से ये बहुत अच्छी चीज़ प्रोवाइड की गई है कि वो बच्चों को लेके जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं और सब कुछ न्यू न्यू चीज़ें देखने को मिलती है, एक्सप्लोर करने को मिलती है, तो उनको भी जाना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी हर साल प्रोवाइड होनी चाहिए क्योंकि बच्चों को बहुत कुछ देखने को मिलता है और सीखने को भी मिलता है। अभी करती रही होगी और करती रही है, और अगर आपको पता होगा तो पीछे जो है पहले दिल्ली भी लेके गए थे, J&K स्टेट से ही बच्चे जाते रहे हैं, और एक बार मैं भी उसमें एसोसिएटेड रहा हूँ। तो ये चलता रहता है, निरंतर प्रयास रहता है कि जो हमारे दूरदराज क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों को आम जो जनजीवन है, जो मेट्रो सिटीज़ हैं और देश जो तरक्की कर रहा है उनके मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक प्रयास है, और ये चलता रहेगा। किस तरह ग्रामीण, देखो बॉर्डर आपको पता ही है, बॉर्डर पे BSF है, वहाँ के जितने भी गांव के लोग हैं उनसे हम हमेशा जो है जुड़ाव में रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं। तो हम BSF के थ्रू जो हर एक गाँव से हम जो है बच्चों को आमंत्रित करते हैं, जो जाना चाहता है उनको विलिंगनेस ले लेते हैं और अकॉर्डिंगली हम इनको भेजते हैं। फिर तो मेडिकल क्लिनिकल कैंप भी लगने वाला, हो सकता है एक दो दिन के अंदर अंदर मेडिकल कैंप भी लगेगा। थैंक यू सर।